और चलिए लाल कुआं की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल प्रबंधक रेखा यादव ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत लाल कुआं रेलवे स्टेशन में 24 करोड़ की लागत से लाल कुआं रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार समेत कई सुविधाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत नैनीताल जिले के कई विधायक लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। लाल कुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। लाल कुआं का जो निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोग उससे मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लाल कुआं जो है आजत नगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। 6 तारीख को कार्यक्रम है जिसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उनको सादर इनवाइट किया गया है।